Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel Tarot with Shivi 888. गाइज, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. गाइज, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा. जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए. और गाइज, ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी. और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी. गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है. सो स्टार्ट करते हैं गाइज, आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज को देखते हैं, क्या सोच रहे हैं अभी वो. ओके, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या निकल कर आता है. ओके गाइस, तो आप फोकस कर सकते हैं अपने पर्सन की एनर्जीज पर, ठीक है. और हम देखने की कोशिश करते हैं क्या सोच रहे हैं अभी आपके पर्सन. ओके. पहली एनर्जी गाइस डेविल की आई है, ठीक है, यहां पर. ओके ओके, तो आपके पर्सन की एनर्जीज में आज के दिन में ये नजर आ रहा है गाइस कि आपके पर्सन ने अपनी अपनी जो लाइफ है उसमें हमेशा ही लगता है कि जैसे हमेशा अच्छे बने रहने की बड़ी कोशिश की है, ठीक है. जैसे मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनके अंदर डिवाइन भी है और डेविल भी है, ठीक है. जिस संगत में आप ज्यादा रहेंगे वही आपकी जिंदगी में हावी हो जाएगा, ठीक है. आप ज्यादा स्पिरिचुअल लोगों के साथ रहेंगे, आप ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में रहेंगे, तो आपके आपके अंदर का जो डिवाइन है वो हावी हो जाएगा आपके ऊपर, ठीक है. और अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच में रहेंगे, नेगेटिव बातें करते हैं जो, और नशा करते हैं, इस तरीके के लोगों के साथ में रहेंगे, तो आपके अंदर का डेविल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है. फिर वो हावी हो जाएगा और आप गलत आदतों में चले जाओगे, तो वो सबके अंदर होता है, ठीक है ना. तो यहां पर आपके पर्सन के अंदर भी है, डिवाइन साइड भी है आपके पर्सन का और डेविल साइड भी है. डिवाइन साइड वो है जब ये किसी के साथ अच्छा काम करते हैं, और डेविल साइड वो है जब किसी को झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं. तो यहां पर आपके पर्सन का कोई डेविल साइड बाहर आया है आज के दिन में, ये मैसेज आ रहा है, ठीक है ना. क्योंकि यहां पर पहला डेविल बना हुआ है, ठीक है. तो मुझे लगता है इस पर्सन ने अपनी कोई शैडो को यहां पर फेस किया है, ठीक है. इस वक्त में बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं यहां पर जो अवेकनिंग की जर्नी है, असेंशन के प्रोसेस में है, उनके शैडो साइड्स बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हैं, ठीक है. जो यूनिवर्स उन्हें मिरर कराने की कोशिश करता है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, बार बार उन्हीं चीजों पर ट्रिगर दिया जाता है डिवाइन की तरफ से. आप लोगों को भी दिया जाता होगा, तो इस पर्सन को भी दिया जाता है. तो ऐसे मैं देख रही हूँ कि अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, उसको ये पर्सन आज के दिन स्पेशल फेस कर रहे थे, ठीक है. ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है आपके पर्सन की साइड से, पहला मैसेज है ये. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह भी पढ़ने लगे हैं आपके पर्सन, ठीक है. बुक पढ़ते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं, जैसे भगवत गीता एंड ऑल, ठीक है. या फिर जब इस तरीके की आपकी असेंशन की जर्नी स्टार्ट होती है तो आपको इन सारी चीजों में बहुत रुचि आने लगती है, ठीक है. आपका जो ध्यान है वो इन सारी चीजों में जाने लगता है, स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल बुक्स में, ठीक है, भगवत गीता एंड ऑल. तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर पॉसिबल लग रहा है आप में से कुछ लोगों के पर्सन के लिए, जो यहाँ पर काफी बैलेंस हो चुके हैं लोग, उनके लिए स्पेशल मैं बोलना चाहूंगी कि उनके पर्सन यहाँ पर इस यात्रा पर आ गए हैं, और कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर ये बुक्स वगैरह पढ़ना और अपने आप को मेंटेन करना, डिसिप्लिन में आना, ये सारी चीजें करना आपके पर्सन ने स्टार्ट कर दी है. और ये धीरे धीरे इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म होंगे जब इनको इसी तरीके से ट्रिगर मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है. ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है.
देखिए गाइस, इस पर्सन के मन में मुझे ये लग रहा है कि आपका जो ख्याल है वो बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा सोचते हैं, और जैसे जैसे ये पर्सन अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके इस पर्सन को क्लैरिटी भी मिलेगी। अभी तो उतनी क्लैरिटी मुझे नजर नहीं आ रही इस पर्सन के अंदर, लेकिन जैसे लग रहा है कि अभी है कंफ्यूजन थोड़ी सी है, लेकिन ये है कि ये चीज तो इस पर्सन को समझ में आ गई है कि जो चीजें इन्होंने आपके साथ फील की हैं, उन सारी चीजों को, उन सेम सारी चीजों को सेम तरीके से किसी और के साथ फील करना बहुत, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने ट्राई कर लिया है, ठीक है, कुछ लोगों के पर्सनों ने यहाँ पर ट्राई कर लिया है। यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है गाइस कि इस पर्सन की लाइफ से इस वक्त में जो फ्रेंड्स हैं वो भी मुझे लगता है कट ऑफ हो रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। ज्यादा फ्रेंड्स मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा मतलब आपकी पर्सन लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा इनका मतलब रहता था कनेक्शन, और हमेशा ही फ्रेंड्स के बीच में रहना, फ्रेंड सर्कल में ज्यादा रहना, तो फ्रेंड्स धीरे धीरे करके दूर हो रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है। इस वक्त में जो भी आपके पर्सन के लिए टॉक्सिक है उनको यूनिवर्स फेंकेगा बाहर, ठीक है। आपके पर्सन को करने की जरूरत नहीं है काम, या तो वो खुद ही बात करना बंद कर देंगे, या फिर आपके पर्सन दूरी बना लेंगे, दोनों में से कोई एक ये काम डेफिनेटली करेगा। ये चीज भी यहां पर स्ट्रांगली नजर आ रही है। एक तरीके से इस पर्सन को ना थोड़ा सा प्रोटेक्टेड भी फील हो रहा है आज के दिन में, ठीक है। मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि कोई है, ठीक है ना, ये इस तरीके से फील कर रहे थे कि नहीं, कोई तो है, कोई पावर तो है जो मुझे मतलब प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, या मुझे मेरे सवालों का जवाब दे रही है, या फिर मैं कुछ सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ तो मुझे उनका जवाब मिल रहा है। तो जैसे एक मैसेज आ रहा है कि इस पर्सन को एक एक तरीके का अंदर में थोड़ा सा वो था कि कोई तो है, कुछ तो है यहाँ पर, ऐसा तो एक फेथ आ रहा है इस पर्सन के मन में, ठीक है। हालांकि जो लॉजिकल लोग होते हैं वो जल्दी बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन जब बार बार सेम तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है, यूनिवर्स को आपको भरोसा दिलाना होता है, तो बार 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 सेम चीज आपके सामने रिपीट करते हैं कि आप कब तक नहीं मानेंगे, 2 बार, 4 बार, 6 बार इग्नोर करेंगे, लेकिन बाद में आप मानेंगे, तो फिर इंसान का ट्रस्ट बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। ये वाला मैसेज यहाँ पर आ रहा है। अभी गाइस मैं आपको कार्ड रीडिंग में बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ, ठीक है। किसी ने मुझसे कल सवाल किया था, तो कैंडल का जब हो जाए तो आप कार्ड रीडिंग भी देखिएगा, उसमें मैं आपको कुछ कुछ बात बताने वाली हूँ जिससे आपको और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे। यहाँ पर ना आपके पर्सन ने ना लोगों से चीजें लेना बंद कर दिया, लोगों को चीजें देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ये भी मैसेज आ रहा है, मतलब कहने का ये है कि ये पर्सन अगर मतलब ज्यादा ले लिया करते थे लोगों के साथ, या फिर थोड़े से उस तरीके के इंसान थे कि फायदा उठाना, ठीक है, या फिर हर किसी का फायदा ले लेना, या फिर फायदे के लिए दोस्त बनाना, मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि अब आपके पर्सन ने ना ये सब बंद कर दिया है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन का मन हो ये है कि जो लोग भी नीडी लोग हैं उनको बांटना, ये इस पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। और ये मतलब एक तरीके का मिरेकल होता है आप लोगों के पार्टनर्स के साथ, जो भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग इनर वर्क कर रहे हैं, जो जेन्युइनली हस्बैंड वाइफ हैं, जो चाहते हैं कि उनके कनेक्शन ठीक हो, जो बिल्कुल चाहते हैं कि ये पर्सन आए, ठीक है, जिनके मन में कोई डाउट नहीं है, जो बस चाहते हैं एक सच्चे मन से, ठीक है, उनके लिए स्पेशल रीडिंग है ये कि आपके पर्सन का जो ये इस लेवल का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, ये आपकी दुआओं का असर है, ठीक है, कि आपका कंडीशन ठीक हो रहा है। इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, प्यार से कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है, दुआओं में बहुत ताकत होती है। तो यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है कि जो इंसान मतलब खींचने के बारे में सोचता था वो आज दे भी रहा है, बांट भी रहा है, ये भी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है।
ये पर्सन आज के दिन में ऐसा भी सोच रहे थे कि आपने इनको काफी बदल दिया है, ठीक है ना। ये सोच रहे थे कि जितना मतलब आपके आने से इस पर्सन के अंदर बदलाव हुए हैं ना, इतना इनको कोई बदल नहीं पाया है। ऐसा नहीं है कि आपके पहले इस पर्सन की लाइफ में कोई था नहीं, या आपके आने के बाद भी। जैसे मतलब कहने का ये है कि बहुत सारे लोग रहे, इतने सारे फ्रेंड्स रहे, पर जैसे औरों की बातों का इनके ऊपर असर होता है, ठीक है, वो उतना मैटर नहीं करता जितना आपकी बातों का असर इस पर्सन के ऊपर होता है, ठीक है। मतलब कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म अगर कोई कर पा रहा है आपके पार्टनर को, तो कहीं ना कहीं वो आप हैं, ठीक है ना। और इसी से रिलेटेड अभी मैं आपको थोड़ा कुछ बताने वाली हूँ इस रीडिंग के बाद, मतलब इस कार्ड रीडिंग में। आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सारे लोग यहाँ पर हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो, ठीक है, इस पर्सन के साथ, कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो अपनी मैरिज लाइफ से, बड़े मैरिड लाइफ से परेशान हैं, तो उनके लिए भी स्ट्रांग रीडिंग है ये, ठीक है। यहाँ बार बार एक वर्ड सुनाई दे रहा है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, ठीक है ना। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप काफी प्रोटेक्ट करते हो उस पर्सन को, ठीक है। आप हमेशा इस पर्सन को प्रोटेक्ट करते हो, या फिर जब भी ये परेशान होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ इनको ऐसे साइन मिलते हैं, कुछ ना कुछ इनको ऐसी गाइडेंस मिलती है, जिससे इनको ऐसा लगता है कि कोई है जो मतलब इनको हमेशा सपोर्ट कर सकता है, इनको हम कभी भी प्रोटेक्ट कर सकता है, जो कभी भी इनसे दूर जाएगा नहीं, ठीक है ना। ऐसा भी ये सोचते हैं, मुझे लगता है कि इनको इस तरीके की गाइडेंस मिलती है, ठीक है। ये वो ट्रस्ट है आपके ऊपर जो आंख बंद करके ये पर्सन करते हैं, और ये आंख बंद करके आपके बारे में जो भी बात बोलेंगे ना, वो ऐसी बात होगी जो ये दिल से सोच रहे होंगे। कहने का मतलब है कि ये आपके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी यहां पर लग रही है आपके पर्सन की। एक तो गाइस, ये पर्सन को, जैसे आप पैम्पर करते हो उस पर्सन को, जैसे आप हंसाने की कोशिश करते हो, जैसे आप इस पर्सन का मूड चेंज कर देते हो, ठीक है। जैसे आप, ये पर्सन अगर मतलब किसी चीज में फंसे हुए हैं, तो जैसे आप हाथ पकड़ते हो, सपोर्ट करते हो, ठीक है, और एक तरीके का मोटिवेट करते हो, इस तरीके की जो भी चीजें आप करते हो उस पर्सन पे बहुत बहुत मैटर करती हैं वो, क्योंकि ये चीजें इस पर्सन ने आप ही के साथ फील की हैं, इसीलिए भी मुझे लगता है ये काफी हद तक आपके लिए बदल रहे हैं, ठीक है। देखिए गाइज, अगर इस पर्सन को लव का मतलब नहीं समझ में आता था, इस पर्सन के लिए लव का मतलब ये था कि हाँ मतलब ठीक है, कनेक्शन है, लेकिन मतलब इनके दिमाग में भी बहुत सारी बातें चलती थी, और ये लव के कनेक्शन को समझ नहीं रहे थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगी कि लव में वो पावर है कि किसी को भी चेंज कर सकता है, किसी को भी, मतलब किसी भी पत्थर दिल इंसान को आप बदल सकते हो सिर्फ अपनी प्योर लव की पावर के साथ, ठीक है। ये मतलब बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये चीज रेजोनेट करेगी कि आपके जो पर्सन थे अगर बहुत ही मैनिपुलेटिव थे, तो ये आप ही के लिए इतने तरीके से चेंज हो रहे हैं ना, कि आप, क्योंकि मुझे कुछ लोग कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं कि मैम मेरे पर्सन में बहुत सारे चेंजेस आ गए 6-7 महीने में, और मुझे लगा नहीं था कि वो इतने चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज भी यहाँ पर नजर आ रही है आपके पर्सन के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफी सारे लोग अगर नाराज भी हैं इस पर्सन से, तो ये आपको मना भी लेंगे, ठीक है ना। ये बहुत जल्दी मना लेंगे, और जब इंसान के अंदर ईगो खत्म हो जाता है ना, तो उसे मनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर इंसान आपको नहीं मनाता है, या बार बार गुस्सा दिला के और फिर चला जाता है और वापस आ जाता है, गुस्से को नहीं मानता है, ठीक है, माफी नहीं मांगता है, मनाता भी नहीं है, इसका मतलब है कि उसमें ईगो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर इस पर्सन का जो ईगो है वो बिल्कुल दिख नहीं रहा है, ठीक है, काफी ऐसा लग रहा है कि बदल गए हैं। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि गाइस, ये काफी सारे लोगों को मना भी लेंगे अगर आप बहुत नाराज हो, बहुत गुस्से में हो, ये एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। चलिए गाइज, अभी हम कुछ कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करेंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है।
ओके मैं बात कर रही थी और डेथ का कार्ड पहले गिरा है गाइस, ठीक है। मैंने बात अभी करी आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन की, एंड देखिए डेथ का कार्ड, ठीक है। ये चल रहा है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन का। आप में से ना मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए तुरंत तुरंत कि कितने लोग हैं ऐसे जो ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुके हैं और बहुत हद तक चेंज हुए हैं, बहुत हद तक हील हुए हैं, ठीक है। मुझे अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे व्यूअर्स कितने चेंज हुए हैं। स्ट्रेंथ, वाओ। अब ये देखिए, अभी तक आपका पार्टनर जो है ना स्ट्रेंथ नहीं बना रहा था, भाग रहा था आपसे, ठीक है, और दुनिया की बातों में आ रहे थे या फिर लोगों की बातों में आ रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन को स्ट्रेंथ में लेकर आएगा 100%, ठीक है ना। यही ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन को स्ट्रेंथ में लेकर आ रहा है। ओ माय गॉड, अगर आप देख पा रहे हैं गाइस, कार्ड्स तीनों ही मेजर अरकाना है, और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं निकाल लूँ, टेन ऑफ सॉट्स, अमेजिंग। क्वीन ऑफ सॉट्स, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड आ गए। ओके, वाओ। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज। मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी आपको। आई होप आपको सारे कार्ड्स नजर आ रहे हैं। ओके, आपको ठीक से कार्ड्स नजर आ रहे हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर कार्ड है डेथ और टेन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया कि आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव थे गाइस, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पर्सन यहाँ पर दिमाग से चल रहे थे, ठीक है, कनेक्शन में। चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन इस पर्सन के लिए ज्यादा जो चीजें थी वो दिमाग से थी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव कनेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर तीन तरीके कनेक्शन होते हैं। एक कनेक्शन होता है आपका दिल से, एक कनेक्शन होता है आपका दिमाग से, और तीसरा कनेक्शन होता है आपका सोल से, ठीक है। जो कनेक्शन आपका दिमाग से होता है वो ऐसा होता है कि ये इंसान है, ये बहुत बहुत अच्छा इंसान है, खूबसूरत है, ठीक है, और इसके पास अच्छा खासा मनी है और वेल सेटल्ड है, ठीक है, और कंपैटिबल भी है, पढ़ा लिखा भी है, मेरे हिसाब का भी है, ठीक है। तो ये एक सही पार्टनर है और इसके साथ आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका कनेक्शन जो दिमाग से बनता है, ठीक है। दूसरा कनेक्शन होता है दिल से, वो होता है कि आपको किसी की केयर अच्छी लगी, किसी की बातें अच्छी लगी, ठीक है, किसी का व्यवहार नेचर अच्छा लग गया, ठीक है, या फिर किसी का मतलब कुछ पसंद आ गया और आप बहुत अट्रैक्ट हो गए उस व्यक्ति के साथ, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन होगा ये आपका अगर किसी के साथ होगा दिल से, ठीक है, तो दिल वाला कनेक्शन हो चाहे दिमाग वाला कनेक्शन हो, ठीक है, दिमाग वाला जो कनेक्शन होता है ना वो शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। अगर आपने किसी के साथ दिमाग के साथ कनेक्शन बना रखा है तो जो भी आपकी नीड्स थी, जो उस व्यक्ति के साथ आपकी पूरी हो रही थी, वो नीड्स अगर कोई दूसरा पूरी कर रहा होगा तो आप उसको रिप्लेस कर दोगे अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि वो कनेक्शन दिमाग से बना हुआ था, ठीक है। तो जो जो चीजें उसके पास थी, खूबसूरती, कंपैटिबिलिटी एंड ऑल, वो अगर किसी और में नजर आएगा तो आप शिफ्ट कर जाओगे, ठीक है, आप स्विच कर जाओगे। ऐसी दिल का है, दिल का कनेक्शन ऐसा होता है कि आपको किसी की बातें अच्छी लग रही हैं, किसी की कोई आपको बहुत केयर कर रहा है, आपको पैम्पर कर रहा है, वो सब चीजें बड़ी अच्छी लग रही हैं, ठीक है। वही सेम केयर, वही उसी तरीके का सेम लव, और वो इतना सब कुछ करना, सरप्राइजेस देना, गिफ्ट्स देना, ठीक है, प्लानिंग करना, हॉलीडेज पे जाना, ये सारी चीजें अगर कोई दूसरा इंसान आपके लिए कर देगा आप शिफ्ट हो जाओगे। मतलब जो कनेक्शन दिल के होंगे वो भी शिफ्ट हो जाएंगे, जो कनेक्शन दिमाग के होंगे वो भी शिफ्ट हो जाएंगे, वैसी सेम चीज अगर कोई और दे दे तो। बट अगर बात मैं करूँ सोल कनेक्शन की, ठीक है, तो ये कभी शिफ्ट नहीं किए जा सकते, ये कभी रिप्लेस नहीं किए जा सकते। इसका कारण ये है कि वो इंसान ना तो आपके दिल से चलेगा ना आपके दिमाग से चलेगा, वो टारगेट करेगा आपकी सोल को, क्योंकि उसका काम है आपकी सोल की ग्रोथ कराना,
ठीक है, तो उसका टारगेट होगा आपको सीधा सीधा ट्रांसफॉर्म कर देना, मतलब आपको अंदर से पूरा बदल के रख दे, मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर दे, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ रीडिंग में, कि इंसान के ऊपर जो आपका असर होता है वो किसी और का नहीं होता है। और अब ये देखिए किस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो कनेक्शन होते हैं सोल कनेक्शन, इनको डिवाइन सपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जब ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, ये पूरा अंदर से साफ कर देते हैं, मतलब अंदर से बदल देते हैं। और ये ऐसे कनेक्शन होते हैं कि आप किसी भी खूबसूरत इंसान के पास चले जाओ, किसी भी पैसे वाले इंसान के पास चले जाओ, कैसे भी इंसान के पास चले जाओ, ब्रह्मांड में इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो ये है इटरनल लव, ठीक है ना, इसीलिए मैं बोल रही थी कि मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पर एनर्जीज पर आते हैं, ठीक है, अगर आपको बात पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि आपका क्या मत है। ये पर्सन की एनर्जीज यही थी, देखिए सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है ना, ये आपके साथ सोल कनेक्शन में हो सकते हैं बहुत स्ट्रांग, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि ये पर्सन थोड़े से दिमाग से चलने वाले व्यक्ति हैं, आप नहीं हो, पर ये हैं, इसीलिए थोड़े से मतलब भागने वाले इंसान। और इसका कारण ये कि क्लैरिटी नहीं रहती ना, इंसान दिमाग यूज करता है तब उसे क्लैरिटी नहीं रहती है, तो ये सारी चीजों की वजह से ये पर्सन आपसे भाग रहे थे, ठीक है, हो सकता है थर्ड पार्टी में भी गया, ठीक है, लेकिन वहां पर जाकर भी ना इनके लड़ाई झगड़े होते हैं, इनको वो सुकून नहीं मिलता। अभी मैंने बताया कि अगर आप किसी का सोल कनेक्शन में हो, ठीक है, तो वो रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो कितना भी हर्ट कर दे लेकिन वो रिप्लेस नहीं किया जा सकता। वैसी सेम चीज आपको किसी और में फील, वो एनर्जी फील नहीं होगी, आप वो वाइब आपको किसी और के साथ नहीं आएगी, ठीक है ना, दिल और दिमाग के जो कनेक्शन होंगे ना वो रिप्लेस हो जाएंगे तुरंत, अगर वैसी वैसा दिमाग का कुछ मिल जाए, वैसी दिल का कुछ मिल जाए तो वो रिप्लेस हो जाएंगे, सोल कनेक्शन रिप्लेस नहीं हो सकते। तो यहां पर भी थर्ड पार्टी पे भी गए तो वहां पर लड़ाई झगड़े होने लगे, ठीक है, तो अब क्या बचा, अब ये बचा कि इस लेवल का हर्ट हो गए कि अब डार्क नाइट ऑफ द सोल है फिर ये, ठीक है, जब हर तरफ से हर्ट हो गए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, खुद को बदलना, ठीक है, जैसे आपके लिए एक ही ऑप्शन है इनर वर्क, आपके लिए एक ही ऑप्शन है प्रेयर्स, इस पर्सन के लिए एक ही ऑप्शन है खुद को चेंज करो, चेंज करो मतलब करो, और इनको यूनिवर्स चेंज करते हैं क्योंकि ये कनेक्शन यूनिवर्स ब्लेस करते हैं, तो यहाँ पर पूरा सपोर्ट मिलता है आपको, यहाँ पर आपको मिलाने का काम प्रकृति स्वयं करती है। यहाँ पर स्ट्रेंथ और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी निकल कर आई हैं, तो ये पर्सन जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म होंगे ना वैसे वैसे स्ट्रेंथ में आएंगे, वैसे वैसे इस पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी, वैसे वैसे ये पर्सन समझ पाएंगे कि ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मजिशियन का कार्ड है फोर ऑफ वैंड, तो क्या मैनिफेस्ट हो रहा है गाइस, यहाँ पर बहुत सारे लोग स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी दुआओं का असर है, वो बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर मुझे ये फोर ऑफ वैंड मैरिज को दिखा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग मेरी चैनल पर जो है वो मैरिड हैं और उनके हस्बैंड और वाइफ से सेपरेशन में है, और वो चाहते हैं कि उनकी उनकी मैरिड लाइफ ठीक हो जाए, उनकी मैरिज ठीक हो जाए, वो इसी तरीके की दुआएं कर रहे हैं। तो गाइज आपकी जो भी दुआएं हैं, मन्नतें हैं, वो यहाँ पर डेफिनेटली सुनी जा रही हैं, आपका पार्टनर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपने जो भी यूनिवर्स पर ट्रस्ट बनाया हुआ है डेफिनेटली आपका ट्रस्ट यहाँ पर ब्रेक बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ठीक है, चीजें फेवर में आ रही है। थोड़ा सा और पेशेंस आप बनाकर रखेंगे और ट्रस्ट रखेंगे आप हर किसी किसी भी चीज से ज्यादा, अगर आप यूनिवर्स को ट्रस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, यहाँ पर चीजें फेवर में आएंगी, ठीक है। जब विश्वास आपको बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना यूनिवर्स के ऊपर, तो आपके लाइफ में मिरेकल्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं, बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ये चीज यहाँ पर कार्ड्स में नजर आ रही है। चलिए हम अल्फाबेट्स देखते हैं कुछ, यहां पर जो लेटर आया है वो है वी एक्स, यहां पर है ओ एच, यहां पर थ्री नंबर है 31, हो सकता है 31 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3+1 4 भी बन रहा है यहां पे। आई वी एक्स ओ एच ई जे, यहाँ पे फिर से आई है ओ, ओ भी है यहाँ पर, क्यू भी है, ठीक है ना, जे आई ओ क्यू सी एच ई वी एक्स और आई, ठीक है, ये अल्फाबेट्स आपके या आपके पार्टनर्स के हो सकते हैं। मैसेज देखते हैं हम,
आई वॉन्ट टू शावर यू विथ गिफ्ट. इस पर्सन को मन होता है आपको गिफ्ट देने का, ठीक है. इंटरनली इस पर्सन को यही लगता है कि गिफ्ट देने लायक एक ही इंसान है. यू हैव अ प्योर हार्ट, डोंट लेट एनी वन और एनी थिंग इवन चेंज दैट. आप लोगों का ना दिल बहुत साफ है, मेरे व्यूअर्स का दिल बहुत साफ है, और ये आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद है, और वो कभी नहीं चाहते कि आप ये चीज कभी बदलें. आप हमेशा दिल से साफ रहें. डोंट वरी, इट्स जस्ट अनदर फेज ऑफ लर्निंग एंड अवेकनिंग. सो ये समझ गए हैं, ठीक है ना, कि एक फेज चल रहा है जहां पर हम सीख रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं. द कार्मिक हैज अ होल्ड ऑन मी, ठीक है. हो सकता है कि यो जो मैंने आपको थर्ड पार्टी बताया, हो सकता है किसी कार्मिक में हो, ठीक है. लेकिन वही है जो आपके पर्सन को सिखाने का कोशिश कर रहा है, जो आप कंपेरिजन बिठा रहे हैं आपके पर्सन की कौन बेस्ट है, ठीक है. सो आपसे कितनी रीडिंग रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं. वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू गाइज.